मैं प्रिया आपके साथ। साउथ दिल्ली के पुष्प विहार के अमृता पब्लिक स्कूल में मंगलवार सुबह ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड स्कूल पहुंचा और सभी बच्चों को स्कूल से बाहर निकालकर बम की तलाशी की गई। हालांकि बम स्क्वाड की तलाशी में बम या किसी और तरह की संदिग्ध चीज नहीं मिली। इस दौरान बच्चों के माता पिता भी उन्हें लेने स्कूल पहुंच गए। 30 दिनों के अंदर दिल्ली के स्कूलों में बम रखने की धमकी का यह तीसरा मामला है। इसके पहले 25 अप्रैल को दिल्ली मथुरा रोड पर स्थित डीपीएस स्कूल में ईमेल के जरिए बम रखने की धमकी मिली थी। इसके बाद 12 मई को दिल्ली के सादिक नगर में इंडियन पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। यह भी स्कूल के ईमेल पर आई थी। दोनों मामले में जांच में बम नहीं मिला था। साउथ दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस चंदन चौधरी ने बताया कि बम की धमकी का मेल सुबह 6:30 बजे आया था। इसके बाद मैनेजमेंट ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस में बम स्क्वाड लेकर गई। स्क्वाड ने पूरे स्कूल की जांच की लेकिन कुछ नहीं मिला। स्कूल के एक टीचर ने बताया वह सुबह करीब 8 बजे असेंबली करा रही थी, जब सभी टीचर्स को सारी एक्टिविटी रोकने को कहा गया। साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया कि स्टूडेंट्स को सुरक्षित तरीके से स्कूल की बिल्डिंग के बाहर ले जाए। स्टूडेंट के पेरेंट्स को व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजा गया, वे जल्द से जल्द अपने बच्चों को लेने आए। पेरेंट्स के आते ही स्टूडेंट्स को उनके साथ घर भेज दिया गया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।